नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना में बीजेपी की दो दिवसीय कार्य समिति की जो बैठक है, कार्यकारिणी की बैठक है, वो चल रही है। महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें बिहार में चुनाव के दौरान जो चुनावी वायदे किए गए थे उसकी समीक्षा होगी तमाम वरीय सदस्यों के बीच में, और इसमें तमाम दिग्गज नेता जो बीजेपी के हैं वो जुटे हुए हैं, और जो बिहार बीजेपी प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव समेत प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बीजेपी के कई दिग्गज नेता सुशील मोदी या फिर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, ये तमाम नेता जुटे हुए हैं, और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद वो भी शामिल हो रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है बीजेपी की पटना में, दो दिवसीय ये बैठक है। तमाम तरह की चर्चा होगी इसमें और कई बातें निकल कर सामने आई हैं। बैठक में बहुत तरह की चर्चा होगी और इसमें दो दिवसीय जो प्रदेश कार्य समिति की संगठन को लेकर सरकार तक के कामकाज पर चर्चा होगी। इसमें प्रदेश कार्य समिति में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को मिली सफलता को देखते हुए सभी जिला अध्यक्षों को सम्मानित भी किया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया गया है उसके लिए फिर आगे की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। तमाम ये योजना तैयार है, बीजेपी की तरफ से प्लानिंग की गई है। तो इस बीच जो प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की दो दिनों की महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें क्या कुछ हुआ है ये हम सुनते हैं खुद डॉक्टर संजय जायसवाल से। हालांकि बताएं आपको कि इस बैठक में उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी जरूर दी कि जिला परिषद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का वो समर्थन करेगी, बीजेपी जो है समर्थन करेगी जो योग्य उम्मीदवार होगा। इसका चुनाव जो है जिला परिषद की एक कमेटी करेगी, जो यानी कि एक बड़ा निर्णय लिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये एक बड़ा और नया प्रयोग है बीजेपी की तरफ से। तो क्या कुछ हुआ बैठक में, पहले आप संजय जायसवाल से सुनिए। हम जिला परिषद के चुनाव में किसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और उस उम्मीदवार के बारे में निर्णय आप जिले की कोर कमेटी करेगी, और यह एक पहला यह बिहार में हम प्रयोग करने जा रहे हैं कि हम जिला परिषद के चुनाव में जो सबसे योग्य उम्मीदवार होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी के जुड़ा हुआ होगा, वैसे व्यक्ति को हम सब अपना समर्थन देंगे। इसके लिए हम आगे की जो तैयारी करेंगे वह आपके जिला कार्य समिति का प्रमुख एजेंडा होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी इन कार्यक्रमों को सफल बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे, और बिहार में जो हमने जनता से वादा किया है और जनता ने जो हम पर विश्वास करके एक वैसे नेता जो केवल झूठ की खेती करते थे उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, उस विश्वास पे खरा उतरना हम सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों का दायित्व होना चाहिए। प्रत्येक गरीब की चिंता, प्रत्येक युवा की चिंता, प्रत्येक दलित शोषित वंचित की चिंता हम सभी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए। एक बार पुनः इस प्रदेश कार्य समिति में आए अपने सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो सुना आपने कि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को हम समर्थन देंगे, जो योग्य उम्मीदवार होगा इसका चुनाव जिला परिषद की जो जिला कमेटी होगी बीजेपी की वो चयन करेगी उस उम्मीदवार का, और हम उस उम्मीदवार को समर्थन देंगे। ये एक नया प्रयोग है और ये बेहतरी के लिए या जिला स्तर पर बेहतर बनाने के लिए जो है उस उम्मीदवार का वो समर्थन करेंगे। तो एक नया प्रयोग जो है शुरुआत होने जा रही है, इस डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह बताया है जो प्रदेश कमेटी की बैठक चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है जो रोजगार का वादा, दरअसल जो 19 लाख रोजगार का की बात बीजेपी ने की है उसकी भी चर्चा की जाएगी, और किसानों का मुद्दा भी इस कार्य समिति में मुख्य विषय होगा। तो आप इस विषय में डॉक्टर संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। 19 लाख लोगों को रोजगार के वायदे रखा, और उसके लिए हम लोगों ने दो बहुत ही प्रमुख लक्ष्य रखा है, कृषि और दूसरा कुटीर लघु एवं मध्यम उद्योग। आज के राजनीतिक प्रस्ताव में भी हम इन्हीं दोनों की कार्य योजनाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। एफपीओ हमारे भविष्य के कृषि योजनाओं का मूल मंत्र रहेगा।
हमने कोरोना के काल में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आदेश पर लाखों लोगों को फील्ड द नीड कार्यक्रम के अंतर्गत मदद पहुंचाने का काम किया था। अब हम प्रत्येक प्रखंड में FPO बनाकर कम से कम बिहार के 3 लाख किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य बना के कार्य करेंगे और यह कार्य तभी संभव है जब आप सभी का सहयोग इसमें मिलेगा। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि FPO के लिए दी हुई है, पर इस राशि का लाभ बिहार के किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके यह देखना हम सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए। उसी प्रकार बिहार में कुटीर लघु एवं मध्यम उद्योगों में 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की संभावना है। कोरोना काल में प्रवासियों के आने पर एक छोटा सा उदाहरण हम लोगों ने एक चनपटिया मेरे जिले में है, उसको हम लोगों ने एक मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था और हम लोगों ने देखा कि अगर शासन, जनप्रतिनिधि, बैंक और उद्यमी आपसी सामंजस्य बना ले तो उसका कितना बढ़िया नतीजा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मिल सकता है यह किसी को देखना है तो वह मेरे जिले में चल सकता है। तो सुन लिया आपने कि साफ तौर पर संजय जायसवाल का कहना है, जो बीजेपी की यह महत्वपूर्ण बैठक है और बीजेपी के जो चुनावी एजेंडे रहे हैं जिसमें 19 लाख रोजगार की बात की गई थी और किसानों के महत्वपूर्ण एजेंडे, किसानों के हित की जो बात की गई थी उस पर जो है बीजेपी विचार विमर्श करेगी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई कि 10 लाख रोजगार जो उद्योग विभाग, जो खासकर महत्वपूर्ण विभाग है उद्योग विभाग, जिसमें 10 लाख रोजगार का सृजन किया जाना है उसकी भी चर्चा होगी। साथ ही साथ किसानों की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकती है बीजेपी उसकी भी पूरी तरह से चर्चा की जाएगी और आगे के लिए रोडमैप तैयार करेगी बीजेपी, यानी किस तरह से इन चीजों को अंजाम देना है, सरकार किस तरह से इसको लागू करेगी, ये तमाम बातें बीजेपी कार्य समिति की बैठक में तय की जाएगी। यानी महत्वपूर्ण होगा सरकार क्या करने वाली है आगे, ये भी इसमें तय किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी का महत्वपूर्ण हिस्सा है सरकार में, बीजेपी जो है महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर है और बीजेपी की तरफ से जो तय किया गया है एजेंडा, उन एजेंडों को जो इसमें चर्चा होगी वो एजेंडे सरकार में लागू होते भी दिखेंगे। तो खासकर रोजगार, जो 19 लाख रोजगार की बात है उस पर नजर है बीजेपी की और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी मुखर तौर पर सामने आ रही है। तो हमने आपको बताया कि बीजेपी की जो महत्वपूर्ण बैठक बिहार के अंदर पटना के अंदर चल रही है, 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी, इसमें जो ये महत्वपूर्ण एजेंडे हैं इन पर चर्चा की जाएगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।